महानगर कांग्रेस कमेटी और सर्वैश्य सेना के कार्यकर्ताओं ने मृतक मनीष गुप्ता के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि मनीष गुप्ता के पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिया जाए व दोषी पुलिसकर्मी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी तथा सर्वैश्य समाज के कार्यकर्ता राजीव गुप्ता ने कहा, जगत नारायण को इसकी बर्खास्त करो, जगत नारायण को बर्खास्त करो, गुप्ता को न्याय दो, न्याय दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 अजय कुमार लल्लू राजीव गुप्ता, क्या आप हम सर्वैश्य सेना के हम भी एक सदस्य हैं। ऐसे सेना आज माननीय मुख्यमंत्री गोरखपुर के सीएम सिटी डीएम कार्यालय पर उपस्थित है। आज बहन मीनाक्षी जो एक विधवा के रूप में तड़प रही है, उसकी तड़प आज पूरा वैश्य समाज काफ़ी तकलीफ में है, काफ़ी पीड़ा में है और उसकी पीड़ा को हम लोगों ने अपने समाज की पीड़ा को महसूस किया है और उस पीड़ा के लिए आज देखिए हम पुलिस प्रशासन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करने आए हैं। हमारे प्रदेश की पुलिस निश्चित रूप से इस देश की पुलिस सेनाएं हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन जो ऐसा पुलिस वाला जिसने इतना घोर अपराध किया है, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे पुलिस वाले से समाज बस समाज ही नहीं बल्कि इस देश के लिए खतरा है। आशुतोष तिवारी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आज हम सभी कांग्रेस जन जो पिछले दिनों गोरखपुर में कलंक का दिन साबित हुआ और ये मांग करती है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके लिए एक नौकरी बच्चे को या उसके पत्नी को दिया जाए और यह निलंबन कोई जो सजा नहीं होती है, उन तीनों लोगों को जो हत्यारोपी हैं उन तीनों लोगों को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी गोरखपुर के कलंक का जो कलंक लगा है यह थोड़ा सा मिट सकेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर करके जोरदार आंदोलन करेगी, पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ व्यापक आंदोलन करेगी।